नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर है काफी प्रोग्राम जन्मकुंडली के साथ और मैं हूं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा। और आज एक बार फिर से मैं चर्चा करने वाला हूं डेली प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि 12 जुलाई का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और अभी तक अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं की है और आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी लाभप्रद रहेगी। और सबसे पहले बता दूं कि जेमिनी राशि के मेरे मित्रों के लिए 12 जुलाई का दिन कैसा रहने वाला है। तो 12 जुलाई यानी कि मर्करी आपकी राशि के लॉर्ड हैं और मर्करी आपकी राशि में जा रहे हैं, रेट्रोगेड हैं, कंबल से बाहर आ गए हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि 12 जुलाई का दिन आपके लिए काफी स्ट्रेस भरा रह सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस आपको लेने पड़ेंगे, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरह की भाग दौड़ आपकी जो है वो बढ़ सकती है। तो अगर आपकी अपनी हेल्थ ठीक है तो आपका कोई रिलेटिव जिसकी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो, उनके लिए आपको कहीं ना कहीं उनके समाचार के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। और किसी दूर देश में बैठे हुए लोगों के साथ, पारिवारिक मेंबरों के साथ आपकी बातचीत आज के दिन हो सकती है। तो 12 जुलाई यानी कि आपके लिए एक सोच समझ कर फैसले लेने का दिन है। तो बी केयरफुल बिफोर टेक एनी एक्शन। थैंक यू वेरी मच। बात करूं कैंसर राशि की, कैंसर राशि के मेरे मित्रों कहना चाहूंगा कि नो डाउट आपके लिए ये जो 12 जुलाई है निश्चित तौर पर एक अच्छा दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लाभ मिलेगा, नहीं कुछ हल्की फुल्की परेशानियां जरूर रहेंगी लेकिन फाइनेंशियल गेन है और कुछ नई चीजें करने का अवसर मिलेगा, नए लोगों के साथ आपका आपका मिलन हो सकता है और जो भी चीजें आप करने वाले हैं उसमें आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस निश्चित तौर पे आपके अच्छे रहने वाले हैं, स्टेबल रहने वाले हैं। कोई अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है और दोस्तों के माध्यम से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए 12 जुलाई का दिन काफी अच्छा रहेगा जैसा आपकी कुंडली जो इस समय दिखा रही है। बात करूं सिंह राशि के मेरे मित्रों की यानी कि लियो राशि के मेरे मित्रों की, तो लियो राशि के मेरे मित्रों कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ी भाग दौड़ रह सकती है। अपने कामकाज को लेके आपको बहुत ध्यान देना होगा। कामकाज के मामले में आप बिजी रह सकते हैं और इतना बिजी रह सकते हैं कि कई बार अपने लिए टाइम नहीं होता है। तो अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखें, इस दौरान अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिला के मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी, कुछ अपने साथ के लोगों का साथ और अपनी आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिलती हुई साथ में दिखाई दे रही है। जैसे आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं तो लोग आपको विश करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। तो यहाँ ये टाइम है ब्लेसिंग का, तो निश्चित तौर पे अपना बेस्ट दीजिएगा। आप बताइए कि वाई आपको लोग लियो क्यों कहते हैं, आप लियो राशि को बिलोंग क्यों करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भाई मैं बात करूं वर्गो राशि की, तो वर्गो राशि के मित्रों कहना चाहूंगा कि बहुत सारी उथल पुथल आपके इस दिन में रह सकती है। तो घर के अंदर और ऑफिशियल लाइफ जो भी आपका बिजनेस व्यापार है उसमें आपको बैलेंस करना होगा, नहीं तो कुछ मुश्किलें आपके सामने बड़ी तेजी के साथ आ रही हैं। तो कन्या राशि के लिए संडे का दिन हेक्टिक दिन डे रह सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इतना ही आपके लिए कहना चाहूंगा। वहीं बात करूं लिब्रा राशि की, तो लिब्रा राशि के मित्रों को कहना चाहूंगा हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, आपको बहुत ध्यान देना है। किसी दूसरे के भरोसे पे ना बैठे रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, किसी आर्गूमेंट से में ना उलझें और हो सके तो किसी भी लिटिगेशन को के बारे में इस दिन इन्वॉल्व होने की, किसी सोलिसिटर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के संडे का दिन आप लोगों के लिए कुछ परेशानी भरा हो सकता है। बात करूं स्कॉर्पियो राशि के मेरे मित्रों की, वृश्चिक राशि के मेरे मित्रों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा। बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में काफी अच्छा समय है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, किसी के को प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, एंगेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय। और अगर आपकी शादी हो रही है इस दिन तो निश्चित तौर पर एक अच्छी शादी इसको मैं कहूंगा और इसका सुख आपको मिलने वाला है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी पोजीशन इसकी बनी हुई है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो आपका दिन है वो व्यस्त दिन रह सकता है, तो आप अपने परिवार के साथ इसको फुली एंजॉय करें, अपने पार्टनर को खुश रखें और जितना भी हो सकता है उसको रिस्पेक्ट दें, तो चीजें आपकी ओर बढ़ चढ़ के आएंगी और आपको एक अच्छा दिन, आज 12 जुलाई का दिन आपके लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। वहीं बात करूं धनु राशि की, सैजिटेरियस राशि के मेरे मित्रों के लिए यह दिन कैसे रहने वाला है, तो सैटरडे राशि में वालों के लिए कहूंगा कि आप व्यस्त रहने वाले हैं, कामकाज की दौड़ धूप रह सकती है, जॉब मिलने के चांसेस हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ सकता है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज का दिन जॉब अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आप अप्लीकेशन ऑनलाइन डाल दीजिए, आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और खास तौर पर अपने गले का बहुत ध्यान रखें, गले से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो थ्रोट इश्यूज आपको हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो सकती है
और यहाँ भी हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलस हों और आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हों, आपको उन सबका सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुंडली में पोजीशन अच्छी है, तो आप एक एज ए विनर आपका आपकी अपीयरेंस होगी, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। बात करूं कैप्रिकॉन राशि की, तो कैप्रिकॉन राशि में मैं देख पा रहा हूँ संतान से जुड़ी कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं। संतान का जन्म होने का दिन है, आप कंसीव कर लिया है, आपको आज पता लग सकता है। संतान के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, संतान के नाम से कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कोई नौकरी मिल सकती है, ऐसा कुछ समाचार आपको मिल सकता है। तो आपका खुद का इंटरेस्ट किसी तरक्की लॉटरी आदि के लिए हो सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए एक अच्छा समय है, खेल कूद में व्यस्त रहें, परिवार का साथ बना रहेगा और एक अच्छा मेच्योर कदम आज का दिन आपका दिन बना देगा। बहुत बेहतरीन दिन आपके लिए 12th of July जो है वो होने वाला है। बात करूं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के मेरे मित्रों का छोटी यात्राओं का समय है, ना चाहते हुए यात्रा हो सकती है। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपका पहले से बेहतर होगा, आप कहीं अपने मित्र के यहाँ विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपके सेविंग, जहाँ आपके मित्र आपको मिलने आ सकते हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, कई बार हो जाता है। हालांकि वेस्टर्न कल्चर तो है कि आप फोन करके पहले अरेंज करके आते हैं, लेकिन कई बार दूसरी जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो आफ्टर एक लंबे कोविड के लॉकडाउन के बाद कहीं जो छोटी सी फ्रीडम हमें मिली है, तो हो सकता है कि आप उसका पूरा एंजॉय करें और किसी को सरप्राइज भी आप प्रदान करें, उसके घर का डोर जो है लॉक करके। तो ऐसा हो सकता है, यानी कि आप कर सकते हैं या कोई आपके घर का डोर जो है वो लॉक कर सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा दिन आप लोगों के लिए, मस्ती भरा दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फुली एंजॉय करेगा। और कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है जो नए घर में एंट्री करने की बात करें या जो रिलोकेट होने की बात करें, उनके लिए भी ये एक अच्छा समय जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करूं पाइसिस राशि की, तो पाइसिस राशि के मेरे मित्रों को कहना चाहूंगा, भाई घर से जुड़ी ही कोई समस्याएं आपकी हैं, प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, लेकिन मेच्योर कुछ नहीं होगा। आज का दिन सोच विचार करने का दिन है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहिएगा, लेकिन सावधानी रखिएगा, कोई भी चीज अचानक से करने का विचार इस आज के दिन खास तौर पर त्याग दीजिएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बात करूं एरीज राशि की, तो एरीज राशि के मित्रों को कहना चाहूंगा, धन लाभ का समय है, परिवार में गेट टुगेदर का समय है, खाना खाइए और खिलाइए। जी हाँ बिल्कुल, यह दिन आपके लिए बेहतरीन होगा। धन से जुड़ी ही कोई समस्याएं, उनका समाधान मिलेगा। अगर आप पैसे बोरो करना चाहते तो आपको कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा जो आपकी इस पैसे से जुड़ी हुई समस्या को सॉर्ट आउट कर सकता है। आपकी कोई आज के दिन FD है, फिक्स डिपॉजिट है, वो मच्योर हो सकता है, लेकिन संडे है तो आपको शायद इसका पता तो चले लेकिन आप कुछ कर ना पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, तो आप फुली एंजॉय करेगा। आपका दिन है, ये कहूँ कि 12th of July दिन जो है वो आपका दिन है। बात करूं टॉरस राशि की, तो टॉरस राशि के मित्र जो पिछले दिनों से काफी ज्यादा जद्दोजहद में थे, कभी बच्चों की ओर से, कभी अपनी हेल्थ की ओर से, आज का दिन आपका अपना दिन है, आप जैसे चाहें इसको स्पेंड करना चाहें वैसे स्पेंड करें और फुली एंजॉय करें। मैं यही कहूंगा कि इतने दिनों बाद अगर ये मौका मिला है तो उसको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, आज खुल के जी लो मेरे जी मेरे भाई, क्योंकि आज का दिन, आज का क्षण फिर लौट के आए ना आए। तो आज टॉरस के लिए वही बात है कि आज आपका दिन है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, सबका ध्यान आपकी ओर रहेगा और आप खुद में खोए रहेंगे। तो खूबसूरत है तो खूबसूरत बनने का, शब्दों से, शरीर से, ड्रेसिंग अप से, जैसे भी हो सके खूबसूरत बने, ताकि आप सब को के मन को जीत लें और सबके मन के राजा या रानी बन जाए आज के दिन। तो इस तरह से ये 12th of July जो है अलग राशि वालों के लिए इस तरह का फल लेके आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिली, इसके हिसाब से आप अपने आप को प्लान कर पाएंगे। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने JK एस्ट्रोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने इसमें कमेंट नहीं किया है, अभी तक आपने अपना फीडबैक नहीं दिया है, तो अभी करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस लेके यूं ही मैं हाजिर होता रहूंगा और आप ले पाएंगे मेरी वीडियोस का आनंद, मेरे लाइव शो का आनंद, जिसमें आप मुझे मेरे साथ बुधवार और संडे यानी कि रविवार एंड फ्राइडे लाइव मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और मैं हाजिर होता हूँ हर वेनसडे एंड संडे 5 PM UK टाइम के हिसाब से और हर फ्राइडे दोपहर 12 बजे UK टाइम के हिसाब से। तो अब और किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।